इस संसार में रहने वाला लगभग हर व्यक्ति ही रोज सुबह उठकर भगवान से यही कामना करता है कि उसे अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, हमारा दिन अच्छा बीते, अच्छी नौकरी लगवा दे या जल्द से जल्द धनवान बना दे। हर इंसान सफल होने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है, परंतु जैसे जैसे दिन ढलता है, यदि इंसान के हिसाब से दिन में कार्य नहीं होता तो वह निराश हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है और ऐसे ही मायूस होकर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लेता है, क्योंकि आपने अगर जन्म लिया है तो ज़रूरतें तो ज़रूर ही होंगी। अब कई बार ऐसा भी होता है, अपने शौक को पूरा करने के लिए नहीं पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन कर्ज एक ऐसा बोझ है जिसमें इंसान दबता चला जाता है और कर्ज को उतारने के लिए दोबारा कर्ज लेता है। कर्ज समय पर ना चुकाने के कारण वह ना चाहते हुए भी दोबारा कर्ज ले लेता है। कर्ज की किश्तें महीने की इनकम और खर्चों से ज़्यादा होती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और कई बार इंसान इससे डिप्रेशन में भी चला जाता है। कर्ज व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कर्ज उतारने के लिए गलत रास्ते पर भी निकल पड़ता है, जिसके बाद व्यक्ति एक के बाद एक नई मुसीबतों में घिरता ही चला जाता है। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है तो वहाँ निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्योतिषी में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद आप अपने कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका उचित परिणाम ही नहीं मिल पा रहा है, तब कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रहों का हमारे ऊपर अशुभ प्रभाव होता है, जिसके लिए आज हम आपको कर्ज उतारने के कुछ ज्योतिषी उपाय बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पहला उपाय। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने हाथों की लकीरों को चूमकर अपने चेहरे पर फेरना चाहिए, इससे बिगड़ी तकदीर बनती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय। इंसान हो या कोई जानवर, सबको आज़ादी की ख्वाहिश होती है, इसीलिए आप अपने कर्ज को खत्म करने के लिए पिंजरे में कैद किसी जीव जंतु या पक्षी को खरीद कर उसे पिंजरे से आज़ाद करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। तीसरा उपाय। सरसों का तेल या तिल का तेल का दिया जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे काम करने की इच्छा प्रबल होती है और धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज उतर जाता है। चौथा उपाय। घर से निकलते समय पहले बाहर बाएं पैर निकालें, फिर दायां पैर। ऐसा करने से सफलता पाने के चांस बढ़ जाते हैं और आसानी से कर्ज से मुक्त हुआ जा सकता है। अब हम आपको पांचवा व महा उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपको रविवार के दिन करना चाहिए। रविवार के दिन आपको लाल मसूर की दाल अवश्य किसी गरीब को दान करना चाहिए। अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सबसे असरकारी उपाय है। अगर आप चाहते हैं कर्ज से मुक्ति पाना तो आपको भी ये उपाय जरूरी करना चाहिए।